देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह एग्री कमोडिटीज़ में यानी कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिल सकता है। शुरुआत मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा है कि मसाला कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी है, जहां पर हमने जीरे में, हल्दी और धनिया तीनों में ही नए रीसेंट हाइज बनते देखे हैं। जीरे में हमने देखा कि 22,400 के करीब की क्लोजिंग आई है और इसके साथ ही जो हमने पिछले हफ्ते 22,200 के लक्ष्य दिए थे वो हासिल हो गए हैं, और उसके बाद पोजिशनल बेसिस पे ऐसा लगता है कि 23,500 का जो अगला बड़ा लक्ष्य है वो हासिल होने की उम्मीद अच्छी खासी दिखाई दे रही है। इमीडिएट तौर पर 21,600 का एक अच्छा सपोर्ट है, जिसके ऊपर जब तक प्राइस रहेंगी तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं पर धनिया में भी हमने देखा काफ़ी लंबी और बड़ी रैली देखी गई, खास करके हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 600 रुपये की बढ़त के साथ क्लोज दिया है धनिया ने, और ऐसा लगता है कि आगे भी ये जो तेज़ी है जारी रहेगी। आने वाले हफ्ते में एक या दो सेशन हो सकते हैं हमें 200 से 300 रुपए की एक मुनाफा वसूली देखने मिले, जहां पर दाम जो है 11,500 तक आ जाए, लेकिन ओवरऑल जो रुख है वो ऊपर की तरफ रहेगा। 12,300 से 12,500 की ओवरऑल हम टारगेट हम नेक्स्ट दो हफ्ते में लेके चल सकते हैं, यानी करीबन 800 से 1,000 रुपए की और तेज़ी बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पर हल्दी में भी हमने देखा कि 450 रुपये की बढ़त के साथ आखिरी दिन कारोबार हुआ हफ्ते के, और बढ़िया एक रिकवरी देखने मिली। ऐसा लगता है ये जो रिकवरी है ये आगे भी एक्सटेंड होगी और अपसाइड में हमें 9,800 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। तो तीनों ही कमोडिटीज़ में यानी धनिया, जीरा और हल्दी में तेज़ी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर हमने M6 कॉटन को भी 42,200 का लक्ष्य हासिल करते हुए देखा और वहीं पर क्लोज दिया है, यानी पोजिशनल बेसिस पे जो दो बड़े लक्ष्य थे 40,500 और 42,200 दोनों ही हासिल हो गए हैं। अब एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है, जहाँ पर दाम जो हैं कॉटन में हो सकता है कि करीबन 41,000 तक गिरते हुए देखें, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो तेज़ी का रुख है वो बना रहेगा और अगला बड़ा लक्ष्य जो है वो करीबन 44,000 का लेके चला जा सकता है, जो आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हासिल हो सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने 3,350 के करीब से प्राइस को फिसलते हुए देखा, लेकिन जो हफ्ते का क्लोज है वो करीबन 3,200 के करीब देखने मिला। ऐसा लगता है कि कुछ समय और कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि अब भी लगभग 3,000 से 3,350 की जो रेंज है वो निकल नहीं पाई है, तो हो सकता है हम 3,100 तक जाता हुआ देखें दाम को, लेकिन उसके बाद वहाँ से फिर से तेज़ी पकड़ सकता है बाज़ार और ओवरऑल 3,500 का जो लक्ष्य है वो अभी हासिल हो सकता है। वहीं पर अगर मेंथा ऑयल की भी बात करें, तो मेंथा में भी हमने जो 1,100 के लक्ष्य डिस्कस किए थे पिछले हफ्ते वो हासिल हुए हैं और 1,100 के करीब की ही क्लोजिंग देने में प्राइसेस कामयाब हुई हैं। आगे चलते हुए ये तेज़ी जारी रहेगी और अपसाइड में 1,130 एक इमीडिएट टारगेट की तरह लिया जा सकता है, जबकि पोजिशनली ऐसा मेरा मानना है कि 1,180 से 1,200 तक के भी लेवल मेंथा ऑयल में देखने मिलेंगे। वहीं पर जनरली स्पीकिंग हम देख रहे हैं कि जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है उसमें तेज़ी का रुख बना हुआ है। कैस्टर सीड में हमने फ्रेश हाइज बनते हुए देखे और 7,430 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि ये तेज़ी यहाँ भी जारी रहेगी और 7,600 के ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म, और पोजिशनली 7,850 का एक लेवल हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर भी तेज़ी करके चलना चाहिए, वो मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये था एक जायजा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ है उसमें क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।